हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं टेक आइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 7 Pro, Realme 3 Pro, OnePlus 6T, Nuvia और भी कई भी एक्साइटिंग अपडेट्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना इंट्रो के। पहले अपडेट की बात करें तो पहला अपडेट आ रहा है Redmi की तरफ से। Redmi ने अपने Note 7 Pro का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है जो है 6GB रैम प्लस 28GB स्टोरेज के साथ। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग है इसकी 16,999 रुपए, करीब करीब 17,000 रुपए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आईफोन की तरफ से यह लीक्स निकल के आई है कि 2019 में जो आईफोन आने वाले हैं वो ट्रिपल रियर कैमराज के साथ आएंगे और डिस्प्ले आएगी 6.1 इंच और 6.5 इंच की ओलेड डिस्प्ले। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है Nuvia की तरफ से। Nuvia ने अपनी स्मार्ट वॉच को लॉन्च कर दिया है चाइना में, जिसका नाम है Nuvia अल्फा स्मार्ट वॉच। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग है इंडियन रुपीज में 36,250 रुपए। तो नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने टीज कर दिया अपने गैलेक्सी A19 की एक और न्यू स्पेसिफिकेशन को, जो है इसकी बिगर बैटरी कैपेसिटी, जो काफी बड़ी बैटरी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है OnePlus 60 की तरफ से। OnePlus 60 की प्राइसिंग में डिस्काउंट हुआ है, वो भी 4,000 रुपए का, लेकिन ये डिस्काउंट अवेलेबल है चाइना में। इस डिस्काउंट के बाद OnePlus 60 की प्राइसिंग हो जाएगी 29,999 रुपए। OnePlus 60 की प्राइसिंग में इंडिया में भी भारी डिस्काउंट हो सकता है क्योंकि OnePlus अपना नया स्मार्टफोन मार्केट में लेके आने वाला है जल्द। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आसूस की तरफ से। आसूस के अपकमिंग स्मार्टफोन की कुछ लीक्स निकल के आई हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इसमें डुअल स्लाइडर होने वाला है। अगर इस फोन की स्लाइडिंग को नीचे करें तो नीचे स्पीकर्स निकल के आ जाएंगे, ऊपर करने पर कैमरा निकल के आ जाएंगे, जिसके कैमरा रोटेटेबल कैमरे होंगे। और अगर इसके डिजाइन की बात करें तो यह डिजाइन देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है Realme 3 Pro की तरफ से। Realme 3 Pro के इवेंट से पहले ही उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आई हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें प्रोसेसर दिया जा रहा है Qualcomm Snapdragon 710। अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसके कैमरा 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं होगा क्योंकि इसमें सोनी का IMX586 सेंसर लगा हुआ है और यह कलर OS 6 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आसूस की तरफ से। आसूस की तरफ से यह रिपोर्ट निकल के आई है कि आसूस अपने सेकंड जनरेशन के आरओजी स्मार्टफोन की प्रिपेयरिंग में लगा हुआ है जो 2019 में लॉन्च हो सकता है। अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें प्रोसेसर दिया जाएगा स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है लेनोवो की तरफ से। यह अपडेट आ रहा है कि लेनोवो ने कंफर्म कर दिया है अपने Z6 Pro के कुछ स्पेसिफिकेशन। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो यह प्रोसेसर आ रहा है काफी पावरफुल स्नैपड्रैगन के 855 प्रोसेसर के साथ, जो 27 वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा और यह एक 5G वेरिएंट हो सकता है। और लेनोवो की तरफ से कुछ बातें भी कंफर्म की गई हैं कि यह कैमरे का, इस फोन का कैमरा 100 मेगापिक्सल के फोटोज लेने में सक्षम है, जो कि एक प्रोमोड में लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ऑनर की तरफ से। यह रूमर निकल के आई है कि ऑनर का 20 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है 25 अप्रैल को, जो कि आएगा 40 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ और किरी 980 प्रोसेसर के साथ, जो कि अपने आप में काफी पावरफुल प्रोसेसर है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आईफोन की तरफ से। यह अपडेट आ रहा है कि आईफोन शायद वर्किंग कर सकता है मेड इन इंडिया आईफोन XE को, जो कि आ सकता है 4.8 इंच की डिस्प्ले के साथ। और जिसमें दिया जाएगा एप्पल की लेटेस्ट A12 बायोनिक चिप और 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एक्सबॉक्स की तरफ से। इस वीक में 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक एक्सबॉक्स के लिए कुछ गेम्स निकल के सामने आएंगे, जिसका स्क्रीनशॉट मैं अपनी स्क्रीन पर दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि यह इतने सारे गेम्स दिए जा रहे हैं, कुल ये 7 गेम्स हैं जो दिए जा रहे हैं, सॉरी 8 गेम्स हैं जो आने वाले हैं 7 से 13 अप्रैल के बीच। फिलहाल के टेक अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे टेक्नोलॉजी संबंधित अपडेट्स मिलते रहें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।